में से जो आखिरी जो रेंज है वो है शिवालिक। तो बिहार के एक हिस्से में यानी वेस्टर्न चंपारण के नॉर्थन इलाके से वही शिवालिक रेंज जो हिमालय का तीसरा जो रेंज है, वही रेंज जो है बिहार के इलाके से भी गुजरता है, तो वो पूरा शिवालिक रेंज उसको कहा जाता है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शिवालिक रेंज जो है वो 932 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। शिवालिक रेंज जो है, सवाल पूछा जा सकता है कि शिवालिक रेंज बिहार के कौन से हिस्से में है, तो जवाब आपका होगा कि बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, वेस्ट चंपारण के नॉर्थ में शिवालिक रेंज वहाँ से गुजरता है और शिवालिक रेंज पूरे 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कि शिवालिक रेंज में जो पहाड़ियाँ आती हैं वो तीन तरह की पहाड़ियाँ हैं, वो तीन तरह के रेंज हैं। हम इसको और थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। एक तो शिवालिक रेंज में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक है सोमेश्वर। शिवालिक रेंज में तीन रेंज है, एक सोमेश्वर रेंज है, दूसरा हरहावेली है। यानी आप अगर बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में चले जाएंगे तो शिवालिक रेंज को आप तीन हिस्से में पाएंगे। शिवालिक रेंज का जो पहला जो हिस्सा है वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, वो सोमेश्वर रेंज कहा जाता है, और सोमेश्वर रेंज के बाद दूसरे नंबर पर हरहावेली आता है और तीसरे नंबर पर रामनगर दून आता है। और इसकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं, इसकी अलग अलग अपने इंपॉर्टेंस है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तो चलते हैं क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि सोमेश्वर रेंज ये कहाँ है, तो अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप कहेंगे कि सोमेश्वर रेंज ये बिहार में है और ये हिमालय की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है जो कि बिहार में पाई जाती है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि हरहा वैली वो किन दो माउंटेन रेंज के बीच में है, तो आप कह सकते हैं कि सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून इनके बीच का जो इलाका है उसको हम हरहा वैली कहते हैं। सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 32 किलो की चौड़ाई की पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी इनकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है और इनकी जो चौड़ाई है वो 7 किलोमीटर है। और सोमेश्वर में आप जाएंगे तो सोमेश्वर जो फोर्ट है, यहाँ पर मैंने एक पहाड़ बनाया है, एक चोटी बनाई, तो सोमेश्वर फोर्ट की जो चोटियाँ हैं वो तकरीबन 882 मीटर ऊँची हैं। और हम ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार में सबसे ऊँची चोटी है तो वो है सोमेश्वर फोर्ट, जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में पाया जाता है सबसे ऊँची चोटी। बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए। उसी के बाद हम आएंगे हरहा वैली में कोई भी वहां पर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चोटी नहीं पाई जाती है, शिखर नहीं पाई जाती है जिससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। हाँ, रामनगर दून में इसी तरह संतपुर नाम की एक चोटी है, संतपुर नाम का एक शिखर है, एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई जो है 240 मीटर है। इससे रिलेटेड भी काफी मरतबा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए यहां पर आप सोमेश्वर फोर्ट की पहाड़ी और इसी तरह से यहां पर आप याद रखिए संतपुर, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पूरा इलाका सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली और रामनगर दून, ये पूरा इलाका आपका आ जाएगा शिवालिक रेंज में। इसकी जो चौड़ाई है वो 932 स्क्वायर किलोमीटर और इन पहाड़ियों की जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है और इनकी जो चौड़ाई है वो 7 किलोमीटर है। इसी तरह से सोमेश्वर फोर्ट जो यहाँ पर बिहार में सबसे ऊँची जो चोटी है वो भी सोमेश्वर में पाई जाती है जिसकी ऊँचाई 882 मीटर है। और इसी तरह से एक और चोटी संतपुर जो कि रामनगर दून में पड़ता है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा उठाया जाता है कि इस इलाके में रहने वाले ट्राइब का क्या नाम है, ट्राइब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइब बहुत मशहूर ट्राइब है जिसका नाम है थारू ट्राइब यहाँ पर रहती है। और एक क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए कि बिहार का वो कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है नेपाल से लगती है, तो दोस्तों है वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री नेपाल से सबसे ज़्यादा लगती है, यानी वेस्ट चंपारण के मुकाबले में कोई ऐसा स्टेट है ही नहीं बिहार में जिस लगती हो। तो ये हो गया हमारा दोस्तों शिवालिक रेंज के बारे में बहुत सारे यहाँ पर जो फैक्ट थे उन फैक्ट को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा द बिहार प्लेन। अब देखिए कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में शिवालिक रेंज और इसी तरह से साउथ में यहाँ पर हो गया साउदर्न प्लेटो के इलाके के बीच का जो ये इलाका है, ये पूरा जो इलाका है दोस्तों, ये यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये पूरा इलाका जो है, इस इलाके को हम जो है द बिहार प्लेन के नाम से जानेंगे। जाहिर सी बात है बीच से गंगा नदी गुजर रही है, तो गंगा नदी के उस पार वो नॉर्दर्न बिहार प्लेन हो जाएगा और गंगा नदी के इस पार वो साउदर्न बिहार प्लेन हो जाएगा, लेकिन और ये बिहार वेस्ट बिहार प्लेन हो जाएगा और ये ईस्ट बिहार प्लेन हो जाएगा। तो इसको हम कई तरह से बाँट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर बाँटने की जरूरत नहीं है, दो हिस्सों में हम इसको नॉर्दर्न बिहार प्लेन और साउदर्न बिहार प्लेन हम जान सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो है फैक्ट बनते हैं
उनको देखते चलते हैं। द बिहार प्लेन, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 96 टोटल एरिया, यानी पूरे बिहार का जो टोटल एरिया है उसका 96% जो एरिया है उस एरिया में द बिहार प्लेन फैला हुआ है। यानी शिवालिक रेंज या फिर आप साउदर्न प्लेटो, ये बहुत कम हिस्से में फैले हुए हैं। जो बीच का जो इलाका है द बिहार प्लेन, वो तकरीबन बिहार के 96% इलाके के ऊपर ये द बिहार प्लेन फैला हुआ है। हाँ, नॉर्दर्न बिहार प्लेन नॉर्थ में और गंगा नदी के साउथ में नीचे, वो साउदर्न बिहार प्लेन के नाम से मशहूर है। आइए हम देखते हैं दोस्तों कि साउदर्न बिहार प्लेन में कई तरह की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि राजगीर की पहाड़ियाँ, इसी तरह से खड़गपुर की पहाड़ियाँ, इस तरह की पहाड़ियाँ भी बिहार प्लेन में, इस तरह की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन कई बार उठाया जाता है कि चौर, ये चौर क्या है? तो चौर जो है दोस्तों, वो उसको हिंदी में गोखुर झील बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये चौर या गोखुर झील या ऑक्सबो लेक जो है, ये पाया जाता है हमारे समस्तीपुर, इसी तरह से सहरसा, इसी तरह से बेगूसराय और इसी तरह से कटिहार। यानी आप कह सकते हैं कि समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय और कटिहार के इलाके में हमारे यहाँ चौर यानी ऑक्सबो लेक, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनने का है ही नहीं, क्योंकि आपने पहली बार चौर सुना होगा, ये चौर क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है, इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लाऊं। फैक्ट तो बहुत सारे हैं, तमाम फैक्ट को पढ़ना जरूरी भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं जा सकता है। तो कई मरतबा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, छह बताइए कि इनमें से कौन वो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर चौर पाया जाता है और ये चौर है क्या। तो जवाब आपका होगा कि चौर ये गोखुर झील को बोलते हैं, ऑक्सबो लेक को बोलते हैं और ये बिहार के समस्तीपुर, इसी तरह से सहरसा, इसी तरह से बेगूसराय और इसी तरह से कटिहार के इलाके में ये पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि रेजिडुअल हिल, अवशिष्ट पहाड़ी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ियाँ जो है, यहाँ पर विंध्यन रेंज यहाँ पर आपको मिल गया, इसी तरह से आप इधर चले आएंगे तो छोटे नागपुर की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ यहाँ पर हमने देखा है, रामशिला की पहाड़ियाँ हैं, इसी तरह से प्रेतशिला की पहाड़ियाँ हैं, इसी तरह से जेठियान की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये दरअसल ये जो पहाड़ियाँ हैं वो रेजिडुअल यानी अवशिष्ट पहाड़ी, ये कोई असल पहाड़ियाँ नहीं है, बल्कि छोटा नागपुर की में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसी का बचा हुआ एक हिस्सा है और इसीलिए इसको हम अवशिष्ट पहाड़ी या रेजिडुअल पहाड़ियाँ कहते हैं। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर उठाया जाता है कि विंध्यन रेंज, काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि विंध्यन रेंज और छोटा नागपुर प्लेटो, इन दोनों को कौन सी नदी अलग करती है? विंध्यन रेंज और छोटा नागपुर प्लेटो, इन दोनों को कौन सी नदी अलग करती है? तो दोस्तों, एक नदी है जो यहाँ से सोन नदी ऐसे बहती है, तो सोन नदी के पार जो है वो जो विंध्यन रेंज है और सोन नदी के इस पार यानी सोन नदी के वेस्ट में वो विंध्यन रेंज पाया जाता है और सोन नदी के ईस्ट में ये हमारा बिहार पाया जाता है। यानी यहाँ से आप समझ लीजिए कि बिहार और झारखंड का इलाका शुरू होता है और नीचे में अगर देख लें तो छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ से शुरू होता है। तो छोटा नागपुर प्लेटो ये आप मान लीजिए और ये विंध्यन रेंज मान लीजिए, तो छोटा नागपुर प्लेटो और विंध्यन रेंज को अलग करने वाली जो नदी है वो हमारी है सोन नदी। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक और मैं फैक्ट आपको देता चलूं कि पूरे बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो नदियां सीजनल हैं ज़्यादातर, लेकिन साउथ बिहार में सिर्फ एक नदी ऐसी है, सोन नदी ऐसी है जो सीजनल नहीं है, जो कि पेरेनियल है। गंगा को हम छोड़ करके बात करेंगे, गंगा भी सीजनल नहीं है, गंगा भी पेरेनियल है, लेकिन गंगा के बाद अगर कोई नदी है बिहार के अंदर जो लगातार बहती है बाहर है, तो वो नदी भी सोन नदी है। तो यहाँ पर काफ़ी रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आखिर में थोड़ा सा साउदर्न प्लेटो ये बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि तीन हिस्सों में बिहार को बांटा गया है, एक तो शिवालिक रेंज, दूसरे द बिहार प्लेन और तीसरे बताया था साउदर्न प्लेटो। तो साउदर्न प्लेटो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है दोस्तों, इसको भी बताता चलूँ। वेस्ट में कैमूर डिस्ट्रिक्ट और इसी तरह से ईस्ट में बांका डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट में कैमूर से लेकर के ईस्ट में बांका तक एक लंबी पट्टी है जो तकरीबन 2581 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। ये जो पूरा इलाका है ये हमारा साउदर्न प्लेटो में आता है, यानी बिहार का के साउथ का बिल्कुल एक छोटा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, यानी आप मान सकते हैं जिसमें आप औरंगाबाद ले लें, गया ले लें, इसी तरह से भागलपुर ले लें, इसी तरह से बांका ले लें, इसी तरह से नवादा ले लें, इसी तरह से थोड़ा बिहार शरीफ आ रहा है साउथ बिहार का, ये इलाका साउदर्न प्लेटो में आता है। ये तकरीबन 2581 स्क्वायर
किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर फैक्ट नहीं लिखे हैं। बस आप इसको इतनी बात जान लीजिए कि बिहार को भौतिक के एतबार से के भौतिक क्षेत्र सिर्फ तीन है, एक है शिवालिक रेंज, दूसरा है द बिहार प्लेन और तीसरा है साउदर्न प्लेटो। और फिर यहाँ से मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं, उन तमाम फैक्ट को आप देखते चले और तमाम चीज़ें खुद अपने आप से क्वेश्चन आप तो रेस करें तो तमाम चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, खुद भी देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं तकरीबन हर दो या तीन दिन के बाद अल्टरनेटली वीडियो डाल रहा हूँ, एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, तो उसको आप तमाम वीडियो को क्रम में देखते चले जाएँ तो बहुत ही आपका फायदा।